नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप दिवाकर, आपका फिर से स्वागत है मेरी इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, जिसमें हम टेंस के बारे में सीख रहे हैं और टेंस से बनने वाले टेंस कौन कौन से होते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया है। उनकी क्या वाक्य की पहचान होती है, क्या वाक्य की रचना होती है, इस बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसी कड़ी में आज हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे और उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस टेंस का क्या यूज़ है, इस टेंस का यूज़ है कोई भी क्रिया होती है वो पास्ट में शुरू हुई हो और या तो वो अभी तक चल रही है या जस्ट कंप्लीट ही हुई है, तो उस केस में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ लेंगे। सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होगा दोस्तों, सेंटेंस का फॉर्मेट होगा सब्जेक्ट के साथ में हैज़ और हैव का प्रयोग होगा और हैज़ और हैव के साथ में बीन आएगा और वर्ब में आईएनजी का यूज़ होगा। अब हैज़ और हैव का प्रयोग कहाँ होगा दोस्तों, हैज़ का प्रयोग ही शी इट नेम और सिंगुलर के साथ हैज़ का प्रयोग होगा और आई यू वी दे प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग होगा। तो आप इस यूज़ को ध्यान रखें कि कहाँ पर हमें हैज़ का प्रयोग करना है और कहाँ पर हैव का प्रयोग करना है। हिंदी में वाक्य की क्या पहचान है दोस्तों, हिंदी में वाक्य की पहचान है कि सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है और रहे है आता है, तब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ होगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला एग्जांपल है, वह आजकल बहुत पढ़ाई कर रहा है, इसका मतलब उसने पास्ट में पढ़ाई शुरू की थी और अभी तक उसकी पढ़ाई चल रही है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ में लेंगे। ही हैज़ बिन स्टडिंग हार्ड रिसेंटली, तो ही के साथ हैज का प्रयोग हुआ, बिन लगाया और पढ़ने के लिए स्टडी आता है, रिसेंटली यानी होता है आजकल। सेकेंड सेंटेंस है, मैं सुबह से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, वह अभी तक नहीं आया है। तो इसमें पहला सेंटेंस तो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है और दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर आपको दोस्तों पढ़ना है तो मेरी वीडियो में जाके आप पढ़ सकते हैं। और पहला सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है, जैसे आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग और ही हैज़ नॉट कम येट। कुछ और इम्पोर्टेंट टिप्स मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, यहाँ पे सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ कहाँ करें। इस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। सिंस का प्रयोग अनिश्चित टाइम के लिए होता है, जैसे कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग, तो इसमें इवनिंग है, अनिश्चित टाइम है। लेकिन अगर निश्चित टाइम हो तो फॉर का प्रयोग करेंगे, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 ईयर्स। एक्स्ट्रा शॉर्ट में दोस्तों मैं आपको हमेशा कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी के बारे में बताता हूँ। ऑलरेडी जो होती है वो हमेशा मेन वर्ब के पहले यूज़ में लेते हैं, जैसे वी ऑलरेडी हैव इनफ फूड टू ईट, तो यहाँ पे हैव मेन वर्ब है तो इसलिए ऑलरेडी उसके पहले आया है। लेकिन अगर मेन वर्ब इज़ आर एम वाज वर हो तो ये इसके बाद में यूज़ देगी, जैसे देयर आर ऑलरेडी सुपर मार्केट्स हेयर, देयर आर ऑलरेडी सुपर मार्केट्स हेयर, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी आएगा। तो यहाँ पे इज़ आर एम वाज वर के बाद में ऑलरेडी का प्रयोग होता है, लेकिन ये मेन वर्ब की तरह आए तो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके वीडियो को आपका पता चल सके जब वीडियो में अपलोड करूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।